गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज आर न्यू पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द पेटोनियल फ्लूड एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्लूड एग्जामिनेशन ये बॉडी फ्लूड के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं चैप्टर का नाम बॉडी फ्लूड एग्जामिनेशन है जिसके अंदर ये चार फ्लूड अपन को करने पड़ेंगे पेटोनल फ्लूड एक लिक्विड है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में बनता है और वहाँ की जो टिश्यू की सरफेस है उसको लुब्रिकेट करता है कौन से टिश्यू जो एब्डोमिनल वॉल की लाइन बना रहे हैं यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल की लाइन को ही लुब्रिकेट कर रहा होता है पैल्विक कैविटी को लुब्रिकेट uh, कर रहा है जो कि मोस्ट ऑर्गन्स जो के हैं वो उसी कैविटी के अंदर आ रहे होते हैं एब्डोमिनल कैविटी एक स्पेस है एब्डोमिनल ऑर्गन के बीच का जैसे स्टमक स्प्लीन लीवर गॉल ब्लैडर सभी इसी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं और ये जो मेम्ब्रेन है वो एब्डोमिन की वॉल को लाइन करती है पेटोनल फ्लूड एक क्लियर स्टराइल फ्लूड है मोस्टली वाटर है जिसमें थोड़ी बहुत डब्ल्यू होती हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और दूसरे बायो केमिकल्स होते हैं पेटोनियल फ्लड का मेन फंक्शन क्या है ये फ्रिक्शन को ईज कर देता है मतलब फ्रिक्शन होने नहीं देता घर्षण को कम से कम करता है ये कौन से घर्षण को जो एब्डोमिन के ऑर्गन्स के मूवमेंट के दौरान जो फ्रिक्शन हो रहा होता है उसको ये कम करता है जो एब्डोमिनल कैविटी के अराउंड जो मूव करते रहते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स उनके मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को ये कम करेगा अब इसका टेस्ट क्यों करना है भाई इसको एनालाइज करने से हमें ऑब्वियस है कि भाई पैराटेनियल फ्लूड अगर एक्यूमुलेट हो गया है, उसके एक्यूमुलेशन को अपन एसाइट कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ पैरोटेनियल फ्लूड इज नोन एज एस एसाइट्स तो वो एसाइट वहाँ पर क्यों हो गया उसके कारण को डायग्नोस करने के लिए अपन को एनालाइज करना होता है या पेरिटोनिया में कोई इन्फ्लामेशन हो गया और जैसे पेरिटोनाइटिस हो गया हो तो उसको भी उसके भी कॉज को डायग्नोस करने के लिए अपन ये टेस्ट करते हैं दो मेन रीजन है फ्लूड एक्यूमलेशन के एक तो इसीलिए आईड एन इनिशियल सेट ऑफ़ टेस्ट इसलिए इनिशियल सेट ऑफ़ टेस्ट के अंदर अपन फ्लूड एल्ब्यूमिन लेवल देखेंगे सेल काउंट देखेंगे डिफरेंशियल काउंट और उसकी अपीयरेंस वो कैसे दिखाई देता है ताकि हमारे को पता चल सके ये दो तरह का फ्लूड क्यों है कैसे प्रोड्यूस हो गया है दो तरह फ्लूड जो अपन ने फ्लूल फ्लूड में मैंने आपको बताया था ये वही दो तरह का फ्लूड है इसमें क्या क्यों हो जाता है भाई इकट्ठा कि भाई प्रेशर में इंबैलेंस आ जाता है ब्लड वेसल में जो प्रेशर लग रहा है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टिक प्रेशर वो प्रेशर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं ये वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं विच ड्राइव फ्लूड आउट ऑफ द ब्लड वेसल ये वो फोर्सेस हैं जो ब्लड वेसल से फ्लूड को बाहर निकालते हैं तो उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाए या फिर प्रोटीन का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है चेंज हो जाता है जिससे कि ब्लड वेसल में फ्लूड में चेंजेस आता है कैन रिजल्ट इन एक्मेशन ऑफ फ्लूड तो उससे फ्लूड इकट्ठा हो जाता है तो इसको अपन ट्रांसजरेट कहते हैं और प्रोटीन के साथ इकट्ठा और एक्जूडेट कहलाता है अपन डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसुटेट अक्सर जो है वो कंजेसिव कार्डिक फिले और सिरोसिस की वजह से हो रहा होता है तो हमारे को ट्रांसरेट को डिटरमाइन करना होता है इसके लिए कोई खास अपन को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसरेट के लिए तो पर एक्ट के लिए पड़ती है ये ये वही किसी भी लाइन है जो अपने प्लूरल फ्लूड के अंदर पढ़ी थी मैंने आपको बताई थी कि पैरिटोनियम में अगर इंजरी या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उससे जो एबनॉमली फ्लूड कलेक्ट होता है उसको अपन एग्जुडेट कहते हैं एग्ज्यूडेट बहुत सारी कंडीशन या डिजीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है बहुत सारे इसके लिए टेस्ट किए जा सकते हैं इसके साथ में इनिशियल वन जो अपन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको मैं अपन स्पेसिफिक कंडीशन को डायग्नोस कर रहे होते हैं जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ हो गई है वायरस बैक्टीरिया फंगाई की वजह से इन्फेक्शन पैरिटोनियम में ऑरिजिनेट हो रहा है या अपेंडिक्स रप्चर होकर के ये प्रॉब्लम हुई है या इंटेस्टाइन से कोई चीज़ परफोरेट कर गई है इंटेस्टाइन से एपडमल वॉल से या कोई सर्जरी के दौरान किसी तरह कंटेमिनेशन हो गया हो और में स्प्रेड कर गया हो कोई दूसरी जगह का फ्लूड तो उसको भी एग्जामिन करने के लिए अपन ये टेस्ट कर सकते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे पैरिटोनाइटिस हो गया हो तो उसके लिए कुछ केमिकल्स रेडिएशंस होती हैं रियली ड्यू टू ऑटोम डिसऑर्डर केमिकल की वजह से पेरिटोनाइटिस रेडिएशन जैसे पेरिटोनाइटिस या ऑटोम डिसऑर्डर जो बहुत हालांकि रेयरली होता है पर उसकी वजह से भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है वो देखी जा सकती है या फिर मैलिग्नेंसीज कैंसर हो गया हो भाई मीजो जैसी कंडीशन लिवर का ट्यूमर हो गया हो जैसे हिपेटोमा या लिम्फोमा या मेटास्टाटिक कैंसर की वजह से भी हो सकता है या पेनक्रियाटाइटिस हो गया हो पेंक्रियाज का इन्फ्लामेशन एडिशनल टेस्टिंग जो अपन एग्जिटेड फ्लूड को एग्जामिन करने के लिए करते हैं तो उसमें आप ग्लूकोज अमाइलेज और ट्यूमर मार्कर को देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर कोई इन्फेक्शन है या कैंसर की सेल आपको दिखाई दे रही है तो लेबोरेटरी के अंदर अपन को पेरिटोनल फ्लूड को एग्जामिन करना है उसके ड्रॉप लीजिए स्पेशल सेंट्रीफ्यूज के का यूज़ करते हुए आप फ्लूड सेल्स को कंसंट्रेट कर सकते हो टेस्ट हुई बॉटम में आ जाएगी फिर उस सैंपल को आप स्लाइड पर रखिए वो जो बॉटम में आ गया उसको स्लाइड पर रखिए स्पेशल स्टेन यूज़ करिए और फिर आप सेल्स को डिफरेंशियली इवेलुएट करिए देखिए माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको दिखाई देंगी सेल्स कौन सी हैं क्या हैं कैसी हैं ग्राम स्टेन कर सकते हो बैक्टीरिया और फंगाई को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया का कल्चर लगा सकते हो ससेप्टेबिलिटी टेस्ट कर सकते हो ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या कल्चर में कोई ग्रो हो रहा है तो कल्चर करके लगा करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अपन को पता चल जाएगा और ये क्यों कर रहे हैं ताकि अपन एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हमें पता चल सके कि कौन सी थेरेपी हमको देनी है अब क्यों अपन ये एनालाइज करते हैं भाई ताकि एनालाइज एन ऑर्डर्ड वैन अ डॉक्टर सस्पेक्ट दैट अ पर्सन हैज अ कंडीशन ऑफ डिजीज दैट इज कॉजिंग पैरटोनाइटिस एंड और एसाइट जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पर्सन में पैरिटोनाइटिस हो सकता है या एसाइट हो सकता है तो डॉक्टर ये ऑर्डर देगा कि भाई पैरटोनल फ्लूड को एग्जामिन करवाइए जैसे कि अननोन ऑरिजन से कोई एसाइट हो रहा हो एब्डोमिनल पेन हो रहा हो टेंडरनेस हो रही हो इंटेस्टाइन में कोई छेद हो गए हों आपको लग रहा है कि कोई एब्डोमेन के अंदर कैंसर जैसी कोई कंडीशन है तब भी अपन इसको एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है भाई सैंपल लेने से पहले पहले मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेनी है पेशेंट से कि भाई कोई दवाइयाँ ले रहा है क्या चाहे वो हर्बल मेडिसिन से क्यों ना हो पेशेंट को किसी तरह को एलर्जी है क्या दवाइयों से या कितनी आ, या नंबिंग मेडिसिन है कोई सुन्नापन वगैरह कुछ कॉज हो रहा हो कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है क्या पेशेंट को या पेशेंट प्रेग्नेंट है नहीं है ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है और सैंपल लेने से पहले पेशेंट को आपको प्रिपेयर करना है तो ये आपको फॉलोइंग प्रोसीजर एडोप्ट करने पड़ेंगे कि पेशेंट को ये कहिए कि पहले वो ब्लैडर को एकदम खाली करके आए एबडमलेट टैप लेने से पहले फिर स्मॉल सेक्शन आपको एब्डोमेन का क्लीन करना है एंटीसेप्टिक के साथ लोकल एनेस्थीसिया लगाना है निडल इंसर्ट करनी है फ्लूड ड्रॉ करना है और पेशेंट को उस समय थोड़ा प्रेशर फील होगा जब निडल आपने इंसर्ट करी है थोड़ा डिजीनेस uh, जैसी भी कंडीशन हो सकती है अगर फ्लूड आपने लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्ट uh, कर लिया है तो ये दिखाया गया है फ्लूड को आप इस तरह से निकाल रहे हैं इसमें इस कंडीशन साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं जैसे कि निडल हो सकता है ब्लैडर में पंक्चर हो जाए ब्लैडर में बॉवल में या ब्लड वेसल को पंक्चर कर दे ब्लैडर बावल या ब्लड वेसल को पंक्चर कर सकती है जिसकी वजह से हो सकता है उसके बॉडी में परफोरेशन छेद हो जाए ब्लीडिंग होने लग जाए कोई बॉवल का इन्फेक्शन हो जाए ओवेरियन या सर्वाइकल कैंसर भी बड़ा कारण हो सकते हैं वेमेन के अंदर कैंसर का जिसकी वजह से उनमें डेथ हो सकती है ये और ये डिजीज द प्रोग्रेस ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी इंसीजियस बिकॉज वेरी ऑफन देर आर हार्डली एनी सिम्टम एंड द कैंसर मे बी इन वेरी एडवांस स्टेज भाई कई बार क्या होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे होते हैं पेशेंट के एडवांस स्टेज आने पर वो डिटेक्ट होता है तो हमें चाहिए कि हम उससे पहले उसको डिस्कवर कर लें साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमारे को पाइटोनल फ्लूड का इस चीज में हेल्प करता है कि उसके अंदर कोई कैंसर सेल मौजूद है या किसी तरह की कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है ओवेरियन या सर्वाइकल कैंसर की अर्ली स्टेज में इसे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं अब इसके रिजल्ट का मीन क्या है टेस्ट रिजल्ट कैन हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ टाइटोनल फ्लूड किस तरह का वही ट्रांसजिट है या एग्जूरिट है फ्लूड एक्यूमलेशन का कारण क्या है आप पता कर सकते हो इनिशियल सेट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो आप पैट्रोन फ्लूड के सैंपल से ताकि आपको पता चल सकता है कि ट्रांसडेट या एक्जिट है ट्रांसडेट 90% परसेंट एसेटिक फ्लू ट्रांसरेट ही होता है जो कि पॉग्नेटिव हार्ट कंजैसिव सॉरी कंजेसिव हार्ट फेलियर या लिवर सिरोसिस की वजह से हुआ होगा जिसके अंदर आप फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखोगे तो फ्लूड एकदम क्लियर दिखाई देगा टिपिकली फ्लूड जो होता है वो क्लियर होता है एल्ब्यूमिन लेवल नॉर्मली कम होता है लो होता है टिपिकली आप उसके अंदर सिरम एल्ब्यूमिन को भी डिफरेंस शेड uh, कर सकते हो कि सिरम एल्ब्यूमिन है या पैटर्न फ्लोड का एल्ब्यूमिन उसमें मौजूद है जिसको अपन सिरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट भी कहते हैं या साग कहा जाता है वो इसकी वैल्यू जो आपको 1.1 ग्राम पर डीएल दिखाई देगी ट्रांसरेट के केस में सेल काउंट में फ्यू सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं एक्जिट में फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो है वो क्लाउडी दिखाई देगा एल्बुमन लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा ट्रांसिटर में कम था यानी सा की 1.1 ग्राम पर डी से कम होती है सेल काउंट आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा एग्जिट जो है वो कई बहुत सारी वराइटीज ऑफ कंडीशन डिजीज की वजह से हो सकता है एंड रिक्वायर फर्दर टेस्टिंग टू एड इन द डायग्नोसिस और हो सकता है आपको आगे भी कुछ टेस्टिंग करनी पड़े इस फ्लूड को डायग्नोस करने के लिए एक्जूरेट जो है मे बी कॉज बाय फॉर एग्जांपल किसकी वजह से एक्जरेट हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से ट्रामा की वजह से कई तरह के कैंसर्स की वजह से या पेनक्रियाज के इन्फ्लॉमेशन की, की वजह से भी एक्जूरिट वहाँ पर एक्यूमलेट हो सकता है तो ये फॉलोइंग लिस्ट दी हुई है एडिशनल टेस्ट की जो डॉक्टर आपको कहता है करने के लिए जैसे फिजिकल करेक्टरस्टिक्स तो नॉर्मली जो सैंपल अपेयर होता है पैटर्न फ्लूड वो स्ट्रॉ कलर का क्लियर फ्लूड होता है एबनॉर्मल अपेयरेंस में आपको डिजीज़ जैसी कंडीशंस के क्लू मिलते हैं जैसे येलो है तो लिवर डिजीज़ है मिल्की है तो लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आया है और ग्रीन है तो बाइल प्रेजेंट हो सकता है रेडिश है तो वो ब्लड ऑब्वियस है ब्लड की प्रेजेंस को बताएगा क्लाउडी पैटोनियल फ्लूड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डब्ल्यू की प्रेजेंस को बताता है यानी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है केमिकल टेस्ट भी अपन कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए जैसे ब्लड में अपन करते हैं ग्लूकोज लेवल जो है वो इन्फेक्शन में लोअर हो जाता है अमाइलेज टेस्ट कर सकते हो क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस में ये अमाइलेज का अमाउंट बढ़ जाता है ट्यूमर मार्कर में कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हो अगर कोई इन्फेक्शन या कैंसर का आपको शक है तो इसमें नॉर्मल पैटोनियल फ्लूड के अंदर कम नंबर में डब्ल्यू प्रेजेंट होती है आर होती ही नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं हैं अगर आपको ये अलग अलग तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं तो आप देखो टीएलसी कर रहे हो तो डब्ल्यू बी को सैंपल में आप इमेरेट कर सकते हो अगर डब्ल्यू बढ़ी हुई है तो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी और बाकी सेल्स है तो मेलेग्नेट कंडीशन को इंडिकेट करेगी डिफरेंशियल काउंट में डब्ल्यू में अलग अलग तरह के डब्ल्यू के परसेंटेज आपको दिखाई देंगे न्यूट्रोफिल का नंबर अगर बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है साइटोलॉजी करके देख सकते हो भाई वही साइटो साइटोसाइंटिफिक करिए पहले सैंपल को फिर उन सेल्स को लेकर के स्टेन करिए माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें एबनॉर्मल सेल्स को एग्जामिन करिए और डिफरेंशियल काउंट कर सकते हो तो आपको पता चलेगा कि कोई इन्फेक्शन है क्या या कोई ट्यूमर वहाँ पे प्रेजेंट है क्या इन्फेक्शस डिजीज टेस्ट के लिए टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे अगर इन्फेक्शन है तो और फिर आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्राम स्ट्रेनिंग कर सकते हो पैट्रोनल फ्लूड में अगर कोई मौजूद है ऑर्गेनिज्म क्योंकि जनरली नहीं होता कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैटोनल फ्लूड में किसी फ्लूड में नहीं होता खैर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है इसका मतलब इन्फेक्शन है फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ है तो फिर आप बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हो और ससेप्टिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो ताकि एंटीबायोटिक थेरेपी दे सको लेस कॉमनली दूसरे इन्फेक्शन डिजीज भी हो सकती है तो उसको भी आप परफॉर्म करवा सकते हो अगर पॉजिटिव आता है जैसे वायरल इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन ट्यूबर वगैरह को इंडिकेट करेगा तो बस बस इसके साथ आपका ये टॉपिक पैटोनल फ्लोड एग्जामिनेशन भी यहाँ पे ख़त्म होता है आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं